सबना नू जय मसीह दी। जिस तरह पिछली बारी सीखा कि असी यीशु मसीह वर्गे सम्मिलित किवें बन सकते हाँ, अज अही सीखांगे कि साडे लई मेज ते जगह है। और दोस्तों ये मेरी जिंदगी दे अंदर भी एक समा आया जद मेरी बॉडी च प्रॉब्लम आई और मैनू चलन दी स्थिति विच बड़ी मुश्किल आई और बहुत सारे लोगों ने त्याग दिता, बहुत सारे समाज दे विच बड़ी कठिनाइयां बड़िया मुश्किल आईया और उहदे नाल कई बारी समाज दे नाल ठोकरा खादियां, समाज को कई बारी कई गल्लां सुनियां। लेकिन जदों मेरी जिंदगी विच यीशु मसीह आए और यीशु मसीह दे प्रेम दे बारे जानिया तां खुदावन दा जदों ही पाक कलाम पढ़िया ते यशाया 53 दी 3 च लिखिया तो मनुखां वल्लों तुच्छ जानिया गया, असी इस वचन नूं अपनी जिंदगी अंदर लिया कि जे खुद परमेश्वर नूं जिहड़ा खुदावन दा यीशु मसीह है उहदे नाल इन्ना कुछ हो सकदा सानूं वी क्यों नहीं, जिस तरह यीशु मसीह ने इन्ना कुछ होण दे बावजूद भी उहने लोकां नूं अपना प्यार दिखाया ते सानूं वी खुदा दा प्यार लोकां नूं दसना चाहीदा है और दिखाउणा चाहीदा है। ते जद असी खुदा दा प्यार लोकां च वणना शुरू कीता और लोकां नाल मिलना शुरू कीता इन्हां परिस्थितियां दे विच वी इन्नियां मुश्किलां दे विच वी ते खुदावंद ने आस्ता आस्ता समाज दे विच साडे लई जगह तैयार करनी शुरू कर दित्ती। इब्रानियां 13:5 लिखिया कि ना मैं तैनूं छड्डांगा ते ना मैं तैनूं त्यागांगा और खुदावंद दे पाक कलाम दे वादे जिहड़े आ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਮੀਨ ਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਜ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਲਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜਲਦ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।